वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 महामुकाबले के लिए भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने उप कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर कर दिया खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव सहित इन सिरों को भारतीय टीम में शामिल करके सबको चौंका डाला। साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल सहित इन 5 सिरों को बाहर फेंक कर सबको कर दिया हैरान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से शुरू हो रही है, तो आखिरकार ऐसे में इस सीरीज का पहला T20 महामुकाबला आज कितने बजे से खेला जाएगा, यह महामुकाबला कहाँ खेला जाने वाला है। इसके अलावा अब तक भारत और वेस्टइंडीज के T20 इंटरनेशनल में क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं और भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने उप कप्तान के साथ मिलकर कौन सी घातक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, सब कुछ इस ब्रॉड वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, वनडे और टेस्ट की तरह क्या T20 श्रृंखला में भी भारतीय टीम जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जीतने के बाद उसने वनडे श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम किया है, जिसका तीसरा वनडे महामुकाबला भारतीय टीम ने 200 रन के महा अंतर से जीत कर इतिहास रच दिया। और साथ साथ इसमें कप्तान हार्दिक पांड्या कप्तानी में भारतीय टीम ने यह परचम लहराया है। इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी कायम रहे। अब यही प्रदर्शन जारी रखते हुए भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 श्रृंखला का आगाज आज करने वाली है। आपको बता दें, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेली जाने वाली इस T20 श्रृंखला के लिए BCCI ने अपनी खतरनाक स्क्वाड का ऐलान पहले ही कर दिया है, जिसमें भारतीय टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दे दिया है, जबकि आवेश खान, तिलक वर्मा और SS जायसवाल जैसे नए नामों को शामिल करके सबको चौंका दिया था। इसके बाद अब इसका पहला T20 महामुकाबला तो आज खेला जाने वाला है। ऐसे में इस महामुकाबले की शुरुआत और सभी जानकारी की बताएं, जहां पहले T20 महामुकाबले की बात करें तो यह T20 महामुकाबला 3 अगस्त 2023 यानी कि आज खेला जाने वाला है। भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत शाम को 8 बजे से होने वाली है, जिसके लिए टॉस शाम को 7:30 को फेंका जाएगा। वहीं पर अगर इस महामुकाबले की बात करें तो यह महामुकाबला तुरोबा के स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जिस स्टेडियम में आखिरी वनडे महामुकाबला भारतीय टीम ने 200 रन के अंतर से जीता है। वहीं पर इस महामुकाबले की बात करें तो इसके लिए भारतीय कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी गई है, जबकि उप कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। वहीं पर भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस महामुकाबले के लिए अपने घातक 11 सिरों का ऐलान तो पहले ही कर दिया है, मगर उससे पहले हम T20 के आंकड़े बता देते हैं, जिससे कि आपको यह समझ आ जाएगा कि भारत पर वेस्टइंडीज भारी है या फिर वेस्टइंडीज पर भारत। जहां आंकड़ों की बात करें तो 25 T20 महामुकाबले भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक T20 इंटरनेशनल में खेले गए हैं, जिसमें 17 महामुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की है। 7 महामुकाबलों में वेस्टइंडीज ने भारत को पटकने दी है। 1 महामुकाबला बिना रिजल्ट के घोषित हुआ, जबकि भारतीय सहजीवी पर भारत ने 8 महामुकाबले जीते थे और 3 महामुकाबले वेस्टइंडीज ने वेस्टइंडीज में जीते हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा हर तरीके से मजबूत नजर आ रहा है। वहीं पर अगर प्लेइंग 11 की तरफ नजर डालें तो भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने 11 घातक सिरों का ऐलान करके सबको चौंका दिया है, जहां पर बतौर ओपनर ईशान किशन और शुभमन गिल के रूप में नई ओपनिंग जोड़ी का ऐलान किया है। जहां पर आपको बता दें, ईशान किशन बेहद लंबे समय से भारतीय टीम की ओपनिंग नहीं कर पा रहे थे, मगर उन्होंने हालिया समय में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां आखिरी टेस्ट मुकाबले में उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया। उसके बाद वनडे महामुकाबलों में 3 वनडे में उनके बल्ले से अर्धशतक निकला, यही कारण रहा भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करके जीत हासिल की। जैसे में उनका यह तूफानी प्रदर्शन बताता है कि वह T20 श्रृंखला में भी तूफान ला देंगे और शतक भी लगा सकते हैं। वहीं पर शुभमन गिल की बात करें तो 2023 में उनका बल्ला खूब चमका था, हालांकि टेस्ट श्रृंखला के बाद वनडे में वह शांत रहे, मगर आखिरी वनडे महामुकाबले में खेली गई 85 रन की वह पारी बताती है कि शुभमन गिल अपने असली रूप में लौट चुके हैं और इस साल वह सभी को चकनाचूर करने के लिए T20 में भी तो अपना तूफान दिखा सकते हैं। वहीं पर तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के मौजूदा उप कप्तान और T20 के दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव बेहद ही खतरनाक बल्लेबाज हैं और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से किसी को भी कभी भी चकनाचूर कर सकते हैं, और वेस्टइंडीज जैसी टीम तो भारतीय टीम के सामने सूर्या के बल्लेबाजी के आगे कुछ भी नहीं है। उन्होंने आखिरी वनडे में 35 रन की तूफानी पारी खेलकर यह बता दिया है उनका बल्ला अब गरजने वाला है। चौथे स्थान पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां संजू सैमसन पर भरोसा जताते हुए हार्दिक पांड्या ने खतरनाक प्लेइंग 11 में दूसरा विकेट कीपर ऑप्शन चुना है। आपको बता दें, पिछले वनडे महामुकाबले में संजू सैमसन ने 51 रन की जो तूफानी पारी खेली थी 4 छक्के लगाकर, वह बताती है कि वह पूरी तरीके से फिट और तैयार है T20 में अपना बल्ला गरजने के लिए। पांचवें स्थान पर भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या का ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाई देने वाला है, जहां पर हार्दिक पांड्या बेहद ही तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और आखिरी वनडे महामुकाबले में उन्होंने जो 70 रन की नाबाद पारी खेली भारतीय टीम के स्कोर को 351 तक ले जाने में सबसे अहम रहे, और उसके बाद उनकी गेंदबाजी के चमत्कार तो सभी जानते हैं। ऐसे में वो T20 में तो अपना तूफान लाएंगे ही और फिनिश करते हुए मैच को दिखाई देंगे। वहीं पर छठवें स्थान पर बतौर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शामिल करके सबको चौंका डाला है। दरअसल अक्षर पटेल को वनडे महामुकाबले में सिर्फ दूसरे वनडे में मौका दिया गया था, उनके बल्ले से कुछ खास रन नहीं निकले थे, मगर T20 में उनको आजमाया जा रहा है और पहले T20 मुकाबले में पूरी खतरनाक टीम के साथ भारतीय टीम उतर रही है। वहीं पर सातवें स्थान पर कुलदीप यादव की शानदार
लगातार चाइना में स्पिन दिखाई देने वाली है। कुलदीप यादव वह खिलाड़ी है जिन्होंने वनडे महामुकाबले में 6 रन देकर 4 विकेट लिए, उसके बाद उन्होंने दूसरे वनडे में भी शानदार विकेट हासिल किए। ऐसे में उनका अब तूफान अब T20 में आपको दिखाई देने वाला है। उनका प्रदर्शन बताता है कि वह किसी भी समय पर वेस्ट इंडीज को चकनाचूर कर सकते हैं। इसके अलावा 8वें स्थान पर युजवेंद्र चहल की खतरनाक लेग स्पिन दिखाई देने वाली है, जहां पर हार्दिक पांड्या ने तीसरा स्पिन ऑप्शन चुना है। जहां पर युजवेंद्र चहल बेहद लंबे समय से भारतीय स्क्वाड में जगह बना रहे हैं मगर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे थे, तो हार्दिक पांड्या ने पहले T20 महामुकाबले में उनको जगह दी है। वहीं पर 9वें, 10वें और 11वें स्थान पर 3 घातक तेज गेंदबाजों को मौका दिया गया है। जहां पर 9वें स्थान पर आपको अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हाल ही समय में उनकी शानदार नेट पर वीडियो वायरल हुई है जिनमें वह नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं, तो उनका तूफान अब दिखाई देने वाला है पहले T20 महामुकाबले में। हो सकता है वह आपको 3 या उससे ज्यादा विकेट लेते हुए भी नजर आए। 10वें स्थान पर आपको मुकेश कुमार का खतरनाक तूफान दिखाई देने वाला है, जहां पर मुकेश कुमार ने अभी पिछले महामुकाबले में वनडे में 3 विकेट चटकाए हैं, उससे पहले वह लगातार विकेट ले रहे हैं, टेस्ट में भी डेब्यू कर चुके हैं। ऐसे में उनको मौका देना तो बनता था, तो हार्दिक पांड्या ने उनको मौका दिया है। वहीं पर 11वें स्थान पर रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को मौका दिया गया है। उमरान मलिक बेहद ही शानदार गेंदबाज हैं और अपनी गेंदबाजी के तूफान से किसी भी टीम को कुचल सकते हैं, और T20 में तो उनका जवाब नहीं है। लगातार 150 की गति से गेंद करने में सक्षम है। जैसे उमरान मलिक अपनी गेंदबाजी से रन लुटाते हैं, विकेट दिलाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा टीम में तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को अभी जगह नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई, आबिश खान, इन खिलाड़ियों को अभी प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या की यह टीम फुल पावर के साथ पहले T20 में जीत हासिल कर पाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। अन्ना है, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।